ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। ईदगाह में हजारों हाथ एक साथ मुल्क के अमन और चैन के लिए उठे। बहुत अच्छी की नमाज हुई है और सारी दुनिया के लिए जो है अमन अमान के लिए दुआ की गई है। इलाहाबाद खास तौर से दुआ की गई है और जो हमारे हिंदुस्तान में मणिपुर में हो रहा है उसके भी अमन अमान की दुआ की गई है। और यहाँ पर जितनी भी हुकूमत है उनके मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो लोग जो अच्छे ढंग से जो अपना काम किया है और अच्छे ढंग से जो है सब नमाज अदा हो गई, अपने लोग घर जा रहे हैं। इस मौके पर नमाजियों ने पिछले दो महीने से मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर भी अल्लाह से दुआ मांगी। नमाजियों ने मुल्क में अमन चैन कायम रहने के साथ ही मणिपुर में भी शांति बहाली के लिए खास तौर पर दुआ मांगी है। ईदगाह के अलावा चौक स्थित जामा मस्जिद, नूरुल्लाह रोड स्थित वसीउल्लाह मस्जिद समेत दूसरी मस्जिदों में भी बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। बकरीद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए हैं। कुर्बानी के इस त्योहार पर जगह जगह कुर्बानी भी दी जा रही है। हालांकि कुर्बानी को लेकर पुलिस और प्रशासन ने दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। खुले और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर पाबंदी लगाई गई है। डीसीपी सिटीद के मुताबिक सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने और किसी तरह के तनाव वाले संदेश भेजने पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस कंट्रोल रूम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। डीसीपी ने चेतावनी दी है कि अगर किसी तरह से कोई सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, जो सिटी क्षेत्र की जितनी भी मस्जिद हैं या ईदगाह हैं उन पे सब पे हमने फोर्स डिप्लॉय किया है। यहाँ पे जो आरएफ है उसको भी हमने डिप्लॉय किया है और उसके साथ साथ पीएसी की कंपनियाँ लगी हैं। उसके साथ साथ हमने क्यूआरटीज बनाई हैं और लगातार हम क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। अभी जो ईदगाह है उस पे सिटी में जो है नमाज चल रही है और बाकी बहुत सी मस्जिदों में जो नमाज है वो सकुशल सम्पन्न हो चुकी है और फोर्स जो है वो लगातार भ्रमणशील रहेगी और हमारा यही प्रयास है कि जो शांति से लोग अपना ये पर्व मनाएं। सर, कुर्बानी का त्यौहार है तो कुर्बानी को लेकर और साथ सोशल मीडिया को लेकर किस तरह से निगरानी की जा रही है? देखिए, कुर्बानी को लेकर स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि कहीं पे भी पब्लिक प्लेस में कुर्बानी नहीं होगी, जो चिन्हित स्थान होते हैं वहीं पे होगी। और उसके अलावा जो भी र्यूमर्स फैलाते हैं या गलत सूचना सोशल मीडिया पे डालते हैं उस पे भी हमारी जो सोशल मीडिया सेल है वो निगरानी कर रही है और ऐसी कोई भी भ्रामक सूचना डालते हैं तो उनके खिलाफ भी पुलिस जो है वो कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ईदगाह के बाहर पुलिस और पीएसी के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई थी। जिले के आला अफसर डीएम और पुलिस कमिश्नर भी ग्राउंड जीरो पर उतरकर हालात का जायजा ले रहे हैं और पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से ईद उल अजहा यानी बकरीद की नमाज अदा कराई जा रही है।